नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, ये नज़ारा देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि मैं कहां खड़ा हूं, और आपका आंकलन सही भी है। मैं नाथो तालाब पे हूं, और अभी यहां पर ये जो पीछे पार्क डेवलप किया गया था, ये काफ़ी सुंदर है। नाथो तालाब पर इधर भी आप देख सकते हैं, ये अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग सुबह शाम घूमने के लिए भी आते हैं। लेकिन इसके सामने जो तस्वीर है, गौशाला के पास की जो तस्वीर है, वो देखकर निश्चित रूप से आपको बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि केवल इतनी खूबसूरती से काम नहीं चलता। इसके आसपास का जो वातावरण है वो इतना दूषित हो गया है कि जो लोग सुबह यहाँ पर आते हैं उनके लिए कुछ समस्याएं भी हैं। मैं इसके जो बगल की तस्वीर अब आपको दिखाना चाहूँगा। फिलहाल ये आप पार्क देख रहे हैं, पीछे इसका उद्घाटन मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल ने किया था, नगर परिषद ने इसको डेवलप करवाया था। मैं ज़्यादा गहरे में नहीं जाऊँगा कि इसमें क्या हुआ था, लोगों ने बहुत सारे आरोप भी लगाए थे, लेकिन फिलहाल आज मैं वो तस्वीर दिखाऊँगा। इधर ये देखिए, ये भी सुंदर नज़ारा है। ये गौशाला है, बड़ी गौशाला है, गोपाल गौशाला। और इसके पास से स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा डिपार्टमेंट है, ब्लॉक CMHO का ऑफिस है, और उसके सामने अगर गंदगी रहती है, बदबू रहती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियाँ उड़ाती तस्वीर देखिए आप यहाँ पर। ये नाला बना हुआ है, ये नाले से जो पानी था वो नाथो तालाब में जाता था, लेकिन इसको यहाँ रोक दिया गया है, क्योंकि पार्क के निर्माण के बाद में आप देख रहे हैं ये नाला यहाँ पर बंद हो चुका है। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरा जो जब बरसात आती है इस नाले से पानी निकल कर इस पूरे एरिया में फैल जाता है। और सुनील जी एक बार दिखाएं, ये वो जो आप पीछे देख रहे हैं वो ब्लॉक CMHO का ऑफिस है इधर। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये स्वच्छ भारत मिशन की, इधर सुनील जी इधर घुमाएं एक बार, ये भारत का स्वच्छ भारत मिशन है, सुजानगढ़ नगर परिषद आपको बता दूं। और ये सुजानगढ़ का एकमात्र पर्यटन स्थल कहा जा सकता है। लोग जहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, और यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, उस स्थान का ये नज़ारा देखिए। यहाँ पर इधर देखिए आप, चलिए इधर देखिए, ये देखिए, ये कीचड़ बाहर निकला हुआ है ये। अब मैं आपको एक सुंदर स्थान दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं फतेहपुरिया सरोवर है, ये देखिए आप पीछे, जहाँ पर दुर्गा पूजा के बाद में मूर्तियों का विसर्जन हुआ करता है। मेरे साथी सुनील स्वामी जी हैं। और ये देखिए, पूरी जगह पर कचरा पड़ा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये प्लास्टिक की थैलियाँ, गोबर, बहुत ख़राब नज़र आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहा है। अब मैं आपको फतेहपुरिया सरोवर, जो कि ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है, इसका नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस बार दुर्गा पूजा नहीं हुई थी। पहले मैं दो बात करूँगा आपसे, दो बातें करूँगा मैं आपके साथ। ये सुजानगढ़ का एकमात्र स्थल है जो धार्मिक सरोवर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दुर्गा पूजा में मूर्तियों का विसर्जन होता है, पूरे गांव से जुलूस आते हैं, खूब उत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते दुर्गा पूजा की मूर्तियां स्थापित नहीं हुई, कोई जुलूस नहीं आया, यहाँ पर रावण दहन होता है वो भी नहीं हुआ, तो नगर परिषद ने इसकी बिल्कुल सूद नहीं ली, वरना इस सरोवर को साफ किया जाता है, मूर्तियों के विसर्जन के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएँ की जाती है, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। लेकिन लोगों ने जो घर में पूजा की थी उसकी जो पूजा सामग्री, इसको यहाँ पर विसर्जित किया गया। अब मैं आपको इसके अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा, जो आपको बड़ा दुख पहुँचाएगी कि फतेहपुरिया सरोवर की ये दुर्दशा क्यों है, नगर परिषद इसकी सुध क्यों नहीं लेता है। एक और बात बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे कछुए भी हैं, कछुआ घर में रखना शुभ माना जाता है, तो यहाँ से लोग कछुए चुरा कर भी ले जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ प्रशासन इस ऐतिहासिक सरोवर की कोई सुध नहीं ले रहा। फतेहपुरिया सरोवर के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये सुजानगढ़ नाथो तालाब पर स्थित ऐतिहासिक फतेहपुरिया सरोवर है, देखिए स्थिति देखिए, बिल्कुल पूरे तालाब में आप देख सकते हैं प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह नज़र आ रही है, सीढ़ियों तक देखिए, सीढ़ियों की स्थिति देख सकते हैं आप। ये नारियल जो आप देख रहे हैं, ये इस नवरात्रा में लोगों ने जो पूजा सामग्री विसर्जित की थी वो है, लेकिन इसके बाद नगर परिषद को चाहिए था कि इसकी सफाई करवाई जाए, पहले तो नहीं करवाई, क्योंकि इस बार दुर्गा पूजा नहीं होने से मूर्तियां विसर्जित नहीं की गई थी। लेकिन अब यह देखिए, अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता हुआ ये फतेहपुरिया सरोवर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर बाहर का नज़ारा भी देख लीजिए, ये तो बाहर की तस्वीर है और ये सरोवर के अंदर की तस्वीर है। हालांकि जो नगर परिषद के नए आयुक्त आए हैं, उन्होंने आते ही अच्छे काम भी किए हैं,
और ये तस्वीर हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं। शायद वो देखेंगे तो इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने एशियन के कार्यक्रम को गंभीरता से लेते हुए तुरंत सुजानगढ़ की सड़कों का कार्य करवाया था और मेरे से उन्होंने बातचीत भी की थी, मैंने उनको धन्यवाद भी दिया था। और अगर ये कार्य हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से उनसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम इस वीडियो के माध्यम से उससे निवेदन करेंगे कि सुजानगढ़ का ये एकमात्र ऐतिहासिक धार्मिक सरोवर है जहाँ पर गणेश जी की, दुर्गा माता की मूर्तियों का विसर्जन होता है, उस सरोवर की ये दुर्दशा है। और जीवों से जुड़ा हुआ मामला भी है, यहाँ पर कछुए भी रहते हैं, तो अगर पानी ज़्यादा गंदा होगा तो जो कछुए इसमें रहते हैं उनकी भी मौत हो सकती है। मैं दिखा दूँ, ये जो नाला है ये देखिए, इससे पानी नाथव तालाब में जाता था, लेकिन नाथव तालाब के नाले को बंद कर दिया गया है। अभी ये नाला जगह जगह टूटा हुआ है और इससे पानी बाहर निकलता है। ये देखिए, क्षेत्रवासियों ने इसको रोकने का प्रयास भी किया है, देखिए ये, लेकिन फिर भी पानी आता है, ये पानी बाहर निकल जाता है और सरोवर के आसपास ये गंदगी आप देख रहे हैं, और ये पानी पुनः इस नाले के जरिए अंदर चला जाता है और ज़्यादा गंदा होकर। और क्षेत्रवासी बहुत दुखी हैं, क्षेत्र की सुंदर स्थली किस दुर्दशा से बहुत परेशान है। पास में है, आप देखिए, ये नाथो तालाब का जो सरोवर के पास का पार्क है ये, लेकिन इसके पास की ये तस्वीर देख लीजिए आप, दोनों दृश्य एक साथ आप देख सकते हैं। ठीक सामने जो हरे हरे वृक्ष देख रहे हैं वो पार्क के हैं, और बाहर ये नाला, ये गंदा पानी, ये कीचड़, ये कचरा और ये घरों से निकाली गई गायें जो यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ खाती हैं। और ये अब आप बिल्कुल इसके पास में ये जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक CMH ऑफिस हैं, स्वास्थ्य विभाग का इतना बड़ा डिपार्टमेंट यहाँ पर है, फिर भी ये क्षेत्र इतना गंदा है, बीमारी पैदा करने वाला है। बजरंग दल के जिला संयोजक बोचवाल मेरे साथ हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा, क्योंकि धार्मिक संगठन है, वो जब इस तरह की दुर्दशा को देखते हैं तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ ही होती है, और इसी मोहल्ले के हैं आप, मैं इसलिए उनसे विशेष रूप से इस संबंध में बातचीत करूँगा। जो दुर्दशा इस समय फतेहपुर सरोवर की देख रहे हैं, इसके अंदर की, अंदर के बाहर की देख रहे हैं, इस संबंध में आपने कभी प्रशासन से, नगर परिषद से बातचीत की? नगर परिषद के जो हमारे पूर्व आयुक्त थे उनको और सभापति जी दोनों को मैंने बार बार इसके बारे में अवगत करवाया है, और गत वर्ष भी यहाँ पर जब दुर्गा पूजा के समय विसर्जन दुर्गा की मूर्तियों का हुआ था तो उस समय भी इन्होंने इसमें सफाई करवाई थी, लेकिन पूरी सफाई नहीं करवाई थी और आधे अधूरे छोड़ दिया था, इसका हमने विरोध किया। उसके बाद भी इन्होंने पूरी सफाई करवाई, वर्ष भर में एक बार ये सफाई करवाते हैं और उसके बाद के अंदर ये इसकी स्थिति पूरे वर्ष भर वैसी रहती है, और चार महीने तक लगातार ये जो बाहर स्थान है इसमें पूरे में पानी भर जाता है। हम लगातार मेहनत करके यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं, और इन पेड़ों को, तीन पेड़ तो अभी तक यहाँ पर जो है वो ख़राब हो चुके हैं, और आगे भी आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो तीन चार पेड़ और हैं इस ग्राउंड के अंदर वो भी लगभग ख़राब हो गए हैं, एक दो वर्षों में वो भी किसी काम के नहीं रहेंगे और सूख जाएंगे। तो प्रशासन को लगातार हम अवगत करा रहे हैं, और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी हम शिकायत करते हैं, ये बीच का रास्ता निकाल लेते हैं हर बार और किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये आपने जानकारी प्राप्त की कि दो तीन पेड़ जो पूरी तरह से सूख गए हैं, मृत हो गए हैं, इसका कारण क्या है? पानी से तो पेड़ हरे भरे रहने चाहिए अगर पानी इकट्ठा होता है, गंदगी का कारण या और कोई कारण है? इसमें गंदा पानी रहता है, और दूसरी बात यह है कि पेड़ में भी एक निश्चित मात्रा तक ही पानी अच्छा रहता है, तो इसमें क्या होता है कि चार महीने तक लगातार पानी रहने के कारण इनकी जड़ें गल जाती है। इससे पहले जैसे यहाँ पे नाथो तालाब का ये सौंदर्यीकरण हुआ है, इससे पहले यहाँ पर भी पानी रहता था तो आसपास के काफ़ी पेड़ यहाँ पर भी जल गए थे, और काफ़ी पेड़ मतलब सूखने की स्थिति में थे और मिट्टी डालने के कारण वो वापस बच गए, और यहाँ पर आज ये स्थिति इस तालाब के ऊपर वापस शुरू हो चुकी है। आप सुनने बहुत एक अच्छी बात कही है कि ये जो पेड़ जले हैं ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक पेड़ को तैयार होने में 15-20 वर्ष लग जाते हैं, और अगर पूरी तरह से तैयार पेड़ मृत हो गया, जल गया, तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा पर्यावरण का नुकसान है। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जब चार महीने गंदा पानी रहता है तो अधिक पानी से भी पेड़ गल जाते हैं, जड़ें जो है वो नष्ट हो जाती है। उसके कारण मैं आपको दिखाऊंगा, दो पेड़ तो बिल्कुल सूखकर लकड़ी हो चुके हैं, और अंदर का ये नज़ारा देखिए कितना बुरा नज़ारा है। ये सुंदर स्थान है और लोग सुबह सुबह यहाँ घूमने के लिए आते हैं, पार्क बन गए हैं, लेकिन पार्क के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो बहुत गंदा है। इसके कारण ये पार्क का जो पार्क की जो खूबसूरती है
उस पर ये बदनुमा दाग कहाँ जा सकता है। देखते हैं नगर परिषद इस ऐतिहासिक स्थल की सुध कब लेता है। ये देखिए पूरी तरह से जल चुका है ये पेड़, और इसके पास में एक और देखिए, ये दो पेड़ तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, केवल टहनियाँ, सूखी टहनियाँ नज़र आ रही है। और ये एकमात्र कारण इस स्थान के कारण है, जो गंदा पानी यहाँ पर बारिश के मौसम में इकट्ठा रहता है इसके कारण। और ये जो अन्य पेड़ है देखिए, ये भी ख़त्म होने की कगार पर ही आप देख रहे हैं, कुछ टहनियाँ तो बिल्कुल इसकी भी सूख गई है। इस पेड़ के पत्ते भी आप देख रहे हैं पीले पड़ने लगे हैं, पास का पेड़ तो पूरी तरह से आप देख रहे हैं सूख ही चुका है। ये देखिए फतेहपुरिया सरोवर के बिल्कुल बगल में कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी ब्लॉक CMHO जो कि उपखंड का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी होता है, उसके कार्यालय के सामने की यह स्थिति है। और ये इस पूरे क्षेत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, गंभीर खतरा है। ऐसे में अगर ब्लॉक CMHO भी इसकी कोई शिकायत नहीं करता है नगर परिषद से, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। वर्तमान में जो बीमारी चल रही है वो निश्चित रूप से इस तरह की गंदगी, क्योंकि कोरोना से ज़्यादा इस समय डेंगू का प्रकोप हो रहा है, डेंगू जानलेवा साबित हो रहा है चुरू ज़िले में, और इस तरह के जो गंदे स्थान हैं वो डेंगू उत्पन्न करने के लिए प्रमुख कारण बनते हैं। ऐसे में अगर ब्लॉक CMHO आँखें मूंद के बैठा है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए ये ब्लॉक CMHO ऑफिस है इधर देखिए, लेकिन इसके सुनील जी एक बार दिखाएं ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल दीवार की बगल देखिए आगे तक दिखाएं सुनील जी एक बार, आप जूम करें उस दृश्य को, सुअर घूम रहे हैं आवारा, और पास में देखिए कितनी गंदगी है, यहाँ पर कचरा पड़ा है, प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी है। ये देखिए मरा हुआ जानवर देखिए, ये कुत्ते खा रहे हैं इधर देखिए, ये देखिए ये ब्लॉक CMHO ऑफिस के सामने का दृश्य है, देखिए आप ये विचलित करने वाला ये दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ पर। सुजानगढ़ नगर परिषद के चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं, चुनाव का वक्त आता है तो लोग सक्रिय हो जाते हैं और सब वार्डों में घूमने भी लगते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि राजनीति में हर जगह यही होता है, लेकिन राजनीति के अलावा भी कुछ जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम अपने क्षेत्र की सुंदरता का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। अगर लोग इतने जागरूक हो जाएं तो ऐसी दशा नहीं होती, क्योंकि हम केवल प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि साफ़ सफाई, क्योंकि कचरा डालने वाले हम लोग ही होते हैं, अगर डाले नहीं तो ऐसी समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि नगर परिषद की गाड़ियाँ भी घर घर में घूमती है, लेकिन अगर डाल दिया गया है तो फिर नगर परिषद का ये कर्तव्य बनता है कि इनको सफाई भी करवाएँ, या जो लोग इस क्षेत्र के पार्षद उनका भी। एक व्यक्ति हमारे साथ है जिनके बारे में सुना है कि वो चुनाव लड़ने की यहाँ पर तैयारी करें, क्या नाम आपका? नानू सिंह। हाँ नानू सिंह जी, चुनाव लड़ने की आप सोच रहे हैं? बिल्कुल। तो सोच तो रहे हैं, लेकिन इससे पहले इस क्षेत्र के बारे में सोचा कुछ आपने? बिल्कुल सोच रहे हैं, इसी अभी थोड़ी देर पहले मैंने जमादार को फोन किया है, बोला ये नाली पूरी जाम हो रखी है तो उसकी आके सफाई करो, और ये जो ग्राउंड है इसकी भी आप थोड़ी सफाई करिए, दिवाली का मौका है तो इसमें थोड़ी साफ सफाई अपने घर के सामने भी होनी चाहिए और चारों तरफ भी होनी चाहिए। अच्छा, जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये पीछे का आप दृश्य देख रहे हैं, इसको आप देखते रहते हैं हमेशा? हाँ, मैं उधर से निकल जाता हूँ, इधर से बहुत कम निकलता हूँ, लेकिन अभी कल परसों में आके देख के गया था, इसमें गंदगी बहुत है। तो ये देखकर क्या क्या महसूस होता है आपको? महसूस तो अब आप भी समझते हैं क्या महसूस होता है, गंदगी सामने रहती है, अब महसूस तो इस पर की आपने कार्य कुछ किया, कोई अधिकारी से बातचीत की, फोन किया किसी से? मैंने बात नहीं की है, एक दो दिनों में सोच ही रहा था, लेकिन आज आपने अभी देख लिया आपको, तो मैं भी आपके पास ही आ गया चला के, मैंने सोचा चलो इसकी मुझे देख के चला कर आ गए, और ये कह रहे कि मैं सोच रहा था, और हमारे लोगों की यही तो बड़ी विडंबना है कि हम सोचते ज़्यादा हैं करते कम हैं, जो सोचते हैं वो करने लग जाए तो स्थिति और तस्वीर बदल सकती है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये इस तरह की सोच रहे हैं कि मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ूँ तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोगों को ही चुनना चाहिए जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं पर गंभीरता से चिंतन करें और उस पर प्रयास करें। और ये क्षेत्र कमज़ोर क्षेत्र नहीं राजनीतिक दृष्टि से, जैसे हमने एक युवा जो नेता है उसे बातचीत की भोजवाल से, तो वो भी सुजानगढ़ की प्रत्येक समस्या पर खड़े हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो आज ये कार्यक्रम टीवी के माध्यम से हम दिखा रहे हैं उस पर लोग और ज़्यादा अपनी प्रतिक्रिया दें अधिकारियों के सामने, ताकि जो क्षेत्र को आप देख रहे हैं ये गंदा क्षेत्र है, इसकी तस्वीर बदल जाए और ना तो तालाब का ये पार्क है वैसा सुंदर ये पूरा क्षेत्र दिखने लगे। सुनिए जी, एक और गली इनके बिल्कुल CMHO ऑफिस के पास की यह गली भी दिखा दीजिए आप, वहाँ पर देखिए कचरा पड़ा है वहाँ पर, यह फतेहपुरिया गेस्ट हाउस है और बालाजी और सत्य जी का मंदिर है, इसके पीछे की गली दिखाइए एक बार आप। सुजानगढ़ की जो स्थिति है, हालात हैं, उसका नज़ारा है ये, और मैं अब आ चुका हूँ ब्लॉक CMHO ऑफिस में,
जिसको राजकीय ट्रोमा सेंटर के रूप में विकसित किया गया था सरकार के द्वारा, वो तो बंद हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर ब्लॉक CMHO का ऑफिस है। ये गाड़ियाँ देखिए, ये जंग खाती हुई गाड़ियाँ यहाँ पर, उधर देखिए ये एम्बुलेंस, किस तरह से गवर्नमेंट के लाखों रुपए बर्बाद होते हैं हर डिपार्टमेंट में, इसका भी एक नज़ारा है। एक गाड़ी नहीं, दो गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पर। ये राजीव गांधी ग्रामीण मोबाइल मेडिकल यूनिट की गाड़ियाँ हैं जो अब यहाँ पर पड़ी जंग खा रही है। चलिए अब प्रयास करते हैं ब्लॉक CMHO से बातचीत करने का, अगर वो मिल जाते हैं तो ज़रूर उनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ सुनील जी स्वामी इस समय है। ये देखिए राजस्थान की, ये सरकार की गाड़ियाँ, चलते हैं। ये देख सुनील, ये देखिए राजकीय ट्रोमा सेंटर बनाया गया था ये, जो जिसको ताले लग चुके हैं आप देख सकते हैं। अंदर भी सफाई कोई बहुत अच्छी नहीं है, अंदर भी आप देख रहे हैं जगह जगह कूड़ा करकट पड़ा है, देख सकते हैं। ये सुनील जी देखें, ब्लॉक CMHO ऑफिस का ये परिसर, अब आम आदमी क्या उम्मीद कर सकता है अच्छे की। ये देखिए ये देखिए ये इस तरह से कचरा पड़ा है। ये देखिए प्लास्टिक, उधर देखिए, ये देखिए, ये मैं आपको ब्लॉक CMHO ऑफिस दिखा रहा हूँ। ये सुजानगढ़ के ब्लॉक CMHO ऑफिस का नज़ारा है, देखिए ये हालत। और फिर एक और नज़ारा दिखाऊंगा आपको, इधर देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियाँ। इस गाड़ी की हालत ऐसी है जैसी नातो तालाब के क्षेत्र की हालत है, जिस तरह से क्षेत्र जंग खाए हुए पड़ा है, ठीक वैसे यह गाड़ी है। मैं समानता मानता हूँ, जैसी हालत इस गाड़ी की है वैसी हालत इस समय नातो तालाब क्षेत्र की भी है। ये ब्लॉक CMHO साहब का ऑफिस है, इधर चलते हैं, देखते हैं, प्रयास करते हैं। मैं इस समय नातो तालाब स्थित ब्लॉक CMHO ऑफिस पहुँच चुका हूँ और मेरे साथ इस समय BCMHO श्री रामचंद्र जी साहब है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस स्थान पे हमारे नगर का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी बैठता है, उस क्षेत्र की ये स्थिति हालत है, आप देख रहे हैं रोजाना आप यहाँ पर बैठते हैं, तो आपने कभी प्रशासन को अवगत कराया इस गंदगी से, इस दुर्दशा से? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि मौसम बीमारियों को देखते हुए तथा मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान अभियान के तहत हमने कई बार मीटिंग के तहत भी व्यक्तिगत भी आयुक्त साहब को निवेदन किया है जी। कि स्वच्छता पहली चीज़ है, सफाई के बिना अपन सामान्य बीमारियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, सफाई होना ज़रूरी है। जैसे डेंगू है, मलेरिया है, स्वाइन फ्लू है, ऐसी बीमारियों को रोकथाम के लिए पहले सफाई बहुत ज़रूरी है। सफाई के लिए शहर के अंदर, विशेषकर शहर के अंदर जो कचरा पड़ा हो रहता है, पानी का ठहरा होता है, नालियों की सफाई नहीं होती, ऐसे में वायरस और बैक्टीरिया ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो बार बार उनको निवेदन और किया है, फिर मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो जहाँ कचरा इकट्ठा है, पानी का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, उनकी सफाई, नालियों की सफाई नियमित करवाएँ, ताकि शहरवासियों को इन मौसम बीमारियों से सबसे बड़ी राहत मिल सके। थैंक यू सर, बिल्कुल संक्षिप्त में सारी बात कह दी है। और इस समय डेंगू का जो प्रकोप है तेज़ी से फैल रहा है, ये तो अच्छा है कि सुजानगढ़ क्षेत्र में इन बीमारियों का प्रकोप नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग थोड़ा चिंतित है। और सर जो ब्लॉक CMHO साहब है वो भी काफ़ी इस मामले को लेकर गंभीर है। हमारे द्वारा भी मौसम बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वल एक्टिविटी चालू करवाई जा रही है, प्रत्येक घर का सर्वे करवाया जा रहा है, पर जो मेन जगह पे पानी का रुकाव है, नालियों की सफाई है, कचरा जहाँ इकट्ठा हो रहा है, उसका निस्तारण होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी समस्या जहाँ पर ब्लॉक CMHO ऑफिस है वहीं पे हो रही है, और कह रहे हैं कि हमने सरकार के लिए अवगत कराए, लेकिन अभी तक इस पर कोई गंभीरता से चिंतन शायद नहीं हुए, तभी समस्या अभी बरकरार है। उम्मीद है कि SN का ये कार्यक्रम देखने के बाद नवग्रह परिषद के आयुक्त महोदय, जिस तरह से उन्होंने सड़कों का काम तुरंत करवाया था SN के कार्यक्रम के बाद, वैसे ही नातो तालाब के क्षेत्र की सफाई का कार्य तुरंत करवाएंगे। SN सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी सुनील स्वामी के साथ, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।